गाइस इस वीडियो में मैं आपको फौजी गेम के जितने भी न्यू अपडेट्स हैं और जितने भी लीक्ड न्यूज हैं वो इस वीडियो में आपको कवर करने वाला हूं। सो गाइस इस वीडियो को फुल वॉच करना एंड जितने भी फौजी गेम से न्यू इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। सो हे गाइस मैडनेस ज्ञान हियर। सो गाइस सबसे पहले हम बात करेंगे गेम के ग्राफिक के बारे में, यानी कि फौजी गेम का ग्राफिक कैसा रहेगा। सो गाइस ग्राफिक को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर दिया गया है एंड गाइस ग्राफिक को पूरी तरह से HDR में कर दिया गया है। HDR में यानी कि इसे पूरी तरीके से हाई क्वालिटी में कर दिया गया है एंड ग्राफिक को लेकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। एंड आपने जो ट्रेलर देखा, जो नया वाला फौजी गेम का ट्रेलर आया है, उसमें आपको देखना कि जो ग्राफिक है वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन वो ट्रेलर था एंड जो गेम होगा वो कुछ और ही होगा एंड उसका जो ग्राफिक हो वो HDR में होगा, यानी कि उससे भी ज़्यादा अच्छा होगा। और भाई जब फौजी गेम आएगा और हम उसे खेलेंगे तो ग्राफिक को लेकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि उसको HDR में कर दिया गया एंड उससे बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर दिया गया है। एंड गाइस अब हम बात करते हैं गेम के एक न्यू अपडेट के बारे में, यानी कि प्ले स्टोर पर जो गेम है फौजी वो रजिस्टर करने के लिए अभी आया है। एंड गाइस वहाँ पर रजिस्टर करने के बाद वहाँ पर एक एनकोर ने न्यू अपडेट किया है, जिसमें जो ट्रेलर था उन्होंने जो लॉन्च किया था उन्होंने यहाँ पर फौजी गेम का ट्रेलर लगा दिया है, जैसा कि आप सब यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये वाला अपडेट काफ़ी अच्छा लगा मुझे, क्योंकि जब भी कोई जाएगा प्ले स्टोर पर फौजी गेम को डाउनलोड करने के लिए तो उसे ट्रेलर भी दिखेगा, उस ट्रेलर को देखने के बाद वो बंदा अंदाजा लगा लेगा कि फौजी गेम कैसा है। और भाई अब हम बात कर लेते हैं कि गेम में बैटल रॉयल मोड होगा या फिर नहीं होगा। एंड गाइस फौजी गेम में बैटल रॉयल मोड रहेगा या फिर नहीं रहेगा, इस पर मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े एंड किसी किसी में बताया जा रहा है कि फौजी गेम में बैटल रॉयल मोड रहेगा एंड कुछ और आर्टिकल्स में बताया जा रहा है कि अपडेट के बाद आएगा फौजी गेम में बैटल रॉयल मोड। तो गाइस ये तो अब पता चलेगा पूरी तरीके से कन्फर्म जब फौजी गेम आ जाएगा 26 जनवरी को, तो बैटल रॉयल मोड रहेगा या फिर नहीं, इसे हमें देखने के लिए 26 जनवरी का वेट करना पड़ेगा। एंड गाइस अब हम बात कर लेते हैं गेम के साइज के बारे में, यानी कि फौजी गेम कितने MB का होगा। गाइस अगर हम फौजी गेम के साइज के बारे में बात करें तो फौजी गेम का जो साइज होगा वो लगभग से 1 GB से कम ही होगा, क्योंकि गाइस अभी वो जो गेम है वो नया है एंड गाइस नया लॉन्च है तो उसमें कुछ और नहीं ज़्यादा नहीं होगा, तो इसीलिए गेम का साइज शुरुआत में तो कम ही होगा, लेकिन जब अपडेट्स वगैरह आएंगे धीरे धीरे तो उसका साइज भी बढ़ता जाएगा। तो गाइस जहाँ तक मुझे लगता है कि जो 4G गेम होगा वो 1 GB से कम ही होगा, क्योंकि गाइस उसमें जो HDR ग्राफिक वगैरह कर दिया गया है तो इसका साइज बढ़ गया है, इसलिए 1 GB तक तो होगा ही। एंड गाइस आपको क्या लगता है कि गेम का साइज कितना होगा, कमेंट करके जरूर बताना। और भाई अब हम बात कर लेते हैं कि जब 4G गेम आएगा तो कितने बजे आएगा। एंड गाइस मैं आपको बता दूं कि एनकोर ने जितने भी चीज़ें 4G गेम से रिलेटेड लॉन्च किया, यानी कि जैसे उसका फर्स्ट टीजर हो गया एंड जो अभी नया वाला ट्रेलर आया है और 4G गेम का जो प्री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया था, तो वो सब जो दोपहर से शाम के बीच में कर रहे थे वो लोग, एंड गाइस जो सुबह में तो वो लोग नहीं किए थे, यानी कि 26 जनवरी को जो 4G गेम आएगा वो सुबह में तो नहीं आएगा, ये तो मैं आपको कन्फर्म बता रहा हूँ, क्योंकि गाइस जितने भी चीज़ें उन्होंने लॉन्च किया वो दोपहर से शाम के बीच में उन्होंने लॉन्च किया है, क्योंकि गाइस जो एनकोर है वो जो नया वाला ट्रेलर लॉन्च किया उन्होंने वो दोपहर से शाम के टाइम के बीच में लॉन्च किया उन्होंने, यानी 4G गेम भी जब आएगा तो दोपहर से शाम के बीच में आएगा। एंड मैं आपको कोई कंफर्म टाइम तो नहीं बता सकता कि इतने बजे आ जाएगा, क्योंकि मुझे भी नहीं पता वो टाइम एंड एनकोर ने किसी को भी अभी तक नहीं बताया है, तो मुझे भी कंफर्म टाइम नहीं पता है। एंड अगर एनकोर 4G गेम का रिलीज टाइम यानी कि लॉन्च टाइम बताती है कहीं पर तो मैं आपको बता दूंगा। आई होप 4G गेम से रिलेटेड जितने भी डाउट थे आपको वो मैंने आपको बता दिया, तो अगर आपको 4G गेम से रिलेटेड और भी कुछ पूछना है तो कमेंट में जरूर बताना और अगली वीडियो में आपका कमेंट जरूर पिक करूंगा। और भाई अगर 4G गेम में बैटल रॉयल मोड रहेगा तो उसमें व्हीकल्स वगैरह ऐड करना चाहिए उन्हें, क्योंकि अगर व्हीकल्स वगैरह नहीं रहते बैटल रॉयल मोड में तो इतना अच्छा नहीं होता, अगर वो व्हीकल्स वगैरह ऐड कर देते हैं तो काफ़ी बेटर हो जाएगा गेम। आप इसके बारे में क्या कहते हैं, क्या बैटल रॉयल मोड में व्हीकल्स वगैरह रहें या फिर ना रहें, कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। और भाई इस वीडियो का हम लाइक एम रख लेते हैं, वैसे मैं लाइक एम वगैरह रखता नहीं पर इस वीडियो के लिए हम लाइक एम रख लेते हैं और इस वीडियो का लाइक एम है 500 लाइक सिर्फ, देखते हैं आप कितनी जल्दी कंप्लीट कर पाते हैं 500 लाइक। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।